शोबिज इंडस्ट्री से एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। खबर है कि मशहूर फिल्म निर्देशक तारिक शाह का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे एक्ट्रेस शोमा आनंद के पति थे। एक सूत्र ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ बातचीत में बताया कि तारिक शाह को डबल निमोनिया हो गया था, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वही फिल्म ट्रेड एनालिस्ट इंद्रमोहन पन्नू ने हमारे रिपोर्टर संजय मिश्रा से बातचीत में तारिक शाह से जुड़ी कुछ जानकारियां दी हैं। आप भी सुनिए। हाँ सर, ये जो खबर आ रही है तारिक शाह की, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए ना सर। देखो, तारिक शाह बेसिकली कश्मीर से हैं और कश्मीर के ही एक प्रोड्यूसर है यूसुफ भट्ट, कि जिन्होंने माधुरी दीक्षित को लेकर यारा फिल्म बनाई थी। तो वो अपना मेरे साथ फेसबुक पे है और उनके थ्रू पता चला कि तारिक शाह नहीं रहे। अभी ऐसी कोई भी खबर करने से पहले कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल क्या है कि अफवाह तो बहुत जल्दी उड़ती है। तो मैंने उनसे अपना उनका नंबर लिया, तो उन्होंने मुझे शोमा आनंद का नंबर दिया, जो कि उनकी पत्नी है। तो मैंने जब शोमा आनंद को फोन किया तो तारिक शाह की बेटी ने फोन उठाया और मुझसे कहा कि हाँ, आज सुबह डेथ हुई है, डबल न्यूमोनिया से डेथ हुई है, पर हम ये अपना मीडिया नहीं चाहते हैं, फ्यूनरल है, आज ही है, बट हम न्यूमोनिया अपने ये नहीं चाहते हैं मीडिया को, इसलिए वो उसने ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की। बट चूंकि मुझे कंफर्म करना था कि डेथ कैसे हुई है, तो उसी उतनी उन्होंने मुझसे जानकारी दी। और ये हमारे ये न्यूज़ कंफर्म करना ही महत्वपूर्ण था। न्यूज़ कंफर्म हो गई और ये फ्लैश कर दी गई। ये सर, आपको एरिया बताए कहाँ पे रहते हैं, जस्ट सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मुंबई के कौन से इलाके में रहते हैं? ये अपना यारी रोड में कहीं रहते हैं। जी जी जी, ठीक है सर। तो आप शोमा जी के दोस्त भी हैं ना सर? हाँ हाँ जी, शोभा आनंद की क्योंकि वो कई सीरियल कर चुकी हुई थी, तो सेट पर उनसे मुलाकात होती थी। तारिक शाह जब आप आए थे तो तब आपको मैं बता दूं कि दिलीप कुमार ने उनकी बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि ये एक सितारा है जो बहुत आगे जाएगा, और दिलीप कुमार ने उनकी बहुत तारीफ की थी। टी सीरीज ने उनको लेकर फिर फिल्म बनाई थी बाहर आने तक, कि जिसके गाने काली चेरी चूटी थे, परांदा तेरेलालनी और मोहब्बत, ये दो गाने बड़े हिट हुए थे। और बाद में तारिक शाह डायरेक्शन में भी थे, और उसके बाद जो है ज़्यादा नहीं चल पाए, वो क्यों नहीं चल पाए वो ही बता सकते हैं, बट एक जमाने में उनका काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा नाम हो गया हुआ था। और व्यक्तित्व सर उनका कैसा रहा है? आप लोगों से मेल मुलाकात होती रही है, शोमा जी को आप जानते थे, तो किस तरह का व्यक्तित्व? देखो, तारिक शाह वाला थोड़ा जेंटलमैन, एक पूर्ण से जेंटलमैन, वो एक कहीं उनका हमने नखरे नहीं देखे थे। मिलते थे तो बड़ी खुश मिजाज से मिलते थे, कहीं ऐसा नहीं कि अरे यार आज मेरा मूड नहीं है, बात करने का मूड नहीं है, नथिंग, आइए बैठे 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 थोड़ी देर में मैं शॉर्ट देके आता हूँ, हम फिर बात करते हैं, इस तरह से वो ही वॉज नेवर एवर ना। उन्होंने एक सीरियल डायरेक्ट की थी कड़वा सच, जिसके अंदर समाज की बुराइयों को उन्होंने उजागर किया हुआ था। यानी वो दिल से भी चाहते थे कि मैं कुछ करूँ और कुछ अच्छा करूँ। कई सीरियल होती थी कि जहाँ पे जो है वो जादुई और तिलस्मी कारनामों वाली सीरियल बनती थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं बनाना है, मुझे ऐसी सीरियल बनानी है जब मेरे पास इतना पावरफुल मीडिया है तो मुझे ऐसा काम करना है कि जो जन जागृति का काम करे, समाज सेवा का काम करे। इसलिए उन्होंने सीरियल बनाई थी कड़वा सच, जिसके अंदर समाज की बुराइयों को उजागर किया था। ये उनकी मानसिकता दर्शाती थी कि ही वॉज वेरी कंसर्न्ड पर्सन। सर थैंक यू, सर थैंक यू हमसे बात करने के लिए। बहुत थैंक यू।